असल को पार्क व्हीलर, जैसा कि आपने हमारे ऑटो पार्ट स्टोर के ऊपर देखा था कार गी की आइटम्स, और बहुत सारे लोगों ने डिमांड की थी कि कार गी की अगर कोई नई आइटम ऐड होती है तो जरूर बताएं और इनका यूजेज भी बताएं, तो कार गी की न्यू इन्वेंट्री आ चुकी है और कार गी ने काफ़ी इंप्रूवमेंट किए हैं जब, और हमारे लिए तकरीबन 5 न्यू आइटम्स जो है कार केयर के लिए ऐड की हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास लेदर विनाइल जो है रबर कंडीशनर है जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर है, और आप सिंपली इसको अपने इंजन बे को वॉश करने के बाद जो रबर एरियाज है उसके ऊपर स्प्रे करके इसको छोड़ देंगे, गाड़ी जब आप स्टार्ट करके चला के लाएंगे तो ये वाटर बेस्ड ड्राई हो जाएगा और आपको एक अच्छी शाइन दे देगा। देन स्मार्ट विंडो क्लीनर है जो कि आई गेस स्टिक फ्री ग्लास को साफ करता है, गाड़ी में अगर बच्चे वगैरह बैठते हैं तो आई एम श्योर आपके ग्लास के ऊपर फिंगरप्रिंट्स आते होंगे, तो आप ग्लास क्लीनर यूज़ करके अपने गाड़ी के ग्लास की भी लाइफ एनहेंस कर सकते हैं और रात के टाइम उसका विजन भी क्लियर रख सकते हैं। देन हमारे पास हाइपर वॉश फोमिंग शैम्पू है, हमारे बहुत सारे यूजर्स जो घर में कार वॉशर के साथ खुद फोमिंग करते हैं तो ये एक बड़ा अच्छा फोमिंग शैम्पू है। इसकी मैं अगर आपको दिखाता चलूँ तो ये एक थिक शैम्पू है जो कि 1:10 के हिसाब से है कि लाइक अगर आपकी फोमिंग कैनन जो है इस साइज़ का है तो उसके अंदर इतना ये शैम्पू ये डलेगा, बाकी पानी डलेगा और आप उसको लेंस को वॉशिंग के ऊपर लगा के फोमिंग कर सकते हैं। देन वॉश एंड वैक्स शैम्पू है, इसकी भी देखी जाए तो ये है तो थिक ही, बट ये रिकमेंडेड फोमिंग के लिए नहीं है, ये आप टू बकेट मेथड के थ्रू इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये फोमिंग शैम्पू वॉश एंड वैक्स शैम्पू है जो कि वॉश के साथ आपका एक वैक्स भी आपकी गाड़ी के ऊपर अप्लाई कर देगा। एक और कार वॉश जो कार की इंट्रोड्यूस किया है गोल्ड मैजिक के नाम से, ये देखने में तो गोल्ड क्लास कार वॉश के जैसा है, ये इतना थिक नहीं है और आप इसको डेली बेस की गाड़ी के यूजेज में वॉश के लिए यूज़ कर सकते हैं। कार गीक की न्यू रेंज हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइव है और आप इंडिविजुअली हर एक बॉटल ऊपर दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और इसको घर बैठे अपनी गाड़ी को या मोटरसाइकिल को मेंटेन रख सकते हैं। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइम एक और रिव्यू के साथ, तब तक का ख्याल रखें।